गाइस, हमारी मौसी एकदम रेडी हो गई है बर्थडे। हेलो दोस्तों, आज चंचल फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज 26 जनवरी है, आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा था, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बड़ा एक धन्यवाद। और आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, हमारी सोसाइटी में झंडा फहराया जाएगा और 26 जनवरी मनाया जाएगा। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये सारे बच्चे ना सब लेट लगी हूँ, बस मैं एक टाइम पे की इतना झूठ। मैं भी तुम्हारे पीछे रेडी खड़ी हूँ, मैं तैयार हो गई बिल्कुल। और देखो मैं भी रेडी हूँ, इधर देखो आप। इसे मैंने तैयार किया है दोस्तों, इसे मैंने तैयार किया है कि मेरे को कैमरा पकड़ना है। लेकिन अभी ये पूरी तैयारी हुई है, गर्मियों के पूरी तैयार हूँ, मैं पूरी तैयार हूँ। इनर पहना है मैंने अंदर, गर्मियों के कपड़े पहन रखे हैं, इनर पहना है मैंने अंदर, इनर पहना। अभी ये बीमार हो जाएगी, कल को घुटने बोल जाएंगे लड़की के। अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी छोटी सी बच्ची है हमारी दिशा। और ये मैं तो जा रही हूँ, तुम तैयार होके आती रहना। मैं तैयार हूँ, चलो दोस्तों ये तैयारी है, बकवास कर रहे हैं बकवास। और हमें समोसा भी खाने को मिलेगा, हमें लड्डू भी खाने को मिलेगा, और कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, और कुछ भी खिलाएंगी दिशा। दिशा पार्टी देगी हमें दोस्तों, मैं क्यों दूंगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं नीचे चलती हूँ और आपको सबको सब कुछ दिखाती हूँ। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्लैपिंग जो सिंध गुजरात मराठा द्रावण उच्च बंग विंध हिमाचल यमुना ओ चल चलत तरंगा तब शुभ माँ में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय मातरम मातरम मात्रम लड्डू गाओ पांडे जी। दो शब्द कहिए जरा देश के बारे में। तो पूरा एकदम कुर्ता पजामा पजामा तैयार थे पहले से ही, ये मोदी जी हैं पहले से ही तैयार थे। कैमरा फोकस असली सेलिब्रेशन नहीं किया क्या तैयार थे पहले से ही, ये मोदी जी हैं पहले से ही तैयार थे। कैमरा फोकस असली सेलिब्रेशन। आ गए दोस्तों हम 26 जनवरी मना के, हमने झंडा फहरा दिया और हमने खा भी पी लिया जो भी वहाँ मिल रहा था। और ये देखिए मैं अपने वंशु के लिए ले आई, क्योंकि मेरा वंशु भी सो रहा है ना, अभी सो के उठा नहीं है, तो मैं उसके लिए ना लड्डू लेके आई हूँ। वो समोसा खाता नहीं है ना, उसमें मिर्च होती है ना, इस वजह से उसके लिए समोसा नहीं लेके आई, मैं उसके लिए ना लड्डू लेके आई हूँ। इतने टेस्टी लड्डू है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू है। और झंडा फहराया गया ना, जब झंडा फहराया जाता है ना, तो एकदम इतनी अच्छी फीलिंग आती है मन में, एकदम मतलब बढ़िया वाली फीलिंग आती है जब हमारा झंडा फहराया जाता है, हमारा राष्ट्रीय गान सब लोग बोलते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए 15 अगस्त 26 जनवरी मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा बताती रहती हूँ, उनके दादाजी भी बताते रहते हैं, सब लोग बताते रहते हैं, उनके टीचर्स भी बताती रहती हैं। हाँ, बच्चों को बताना भी चाहिए, बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए। तो जब भी ऐसी जगह होती हैं, तो मैं अपने बच्चों को जहाँ हमारा झंडा फहराया जाता है, जो हमारे देश के सेनानियों के बारे में बताया जाता है, तो फिर मैं सबके बारे में ना उनको बताती रहती हूँ। अब भी बताइए अपने बच्चों को, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बाकी देखिए मेरे भाई ने ये काम करवाया, ये देखिए ये दीवार बिल्कुल प्लेन थी, आपने पहले भी देखी होगी, और मेरे भाई ने ये डिजाइन ये ली, बहुत अच्छा
मैं आपको दिखाती हूँ आगे से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे भैया ने खरीदी थी ऑनलाइन, और इसके अंदर लाइट ना भैया ने लगवाई है। लाइट ना पहले से नहीं लगी हुई थी, लाइट ना अभी लगी है, वो भैया लगा के गए हैं कल। है और ये मेरे सारे, ये भाई ने इतना अच्छा बनवाया ना, मैं उसको हमेशा पहले बोलती रहती थी कि बच्चे इसमें कुछ करवा लो। तो आज जाके इन्होंने ये कंप्लीट किया है काम। दो दिन से काम चल रहा था यहाँ पे। कल हमारी बिटिया का प्रोग्राम है, हमारी सानवी का प्रोग्राम है कल, और हमारे सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। तभी भैया ने फटाफट दो तीन दिन में ना ये काम ख़त्म करवाया है यहाँ पे, ये सारा काम। ये भैया ने किधर लाइट लगवाई वॉश बेसिन के पास। ये जलती कैसे मम्मी, यहाँ से मुझे पता भी नहीं कैसे जलती है। क्या ये लाइट कैसे जलती है? कहाँ? ये देखिए दोस्तों, ये हमारे भैया ने ये लाइट लगवाई। ये मिरर है, मिरर के अंदर भैया ने लाइट लगवाई, एकदम सुंदर थी। वॉश मशीन ये इतना काम करवा दिया हमारे भैया ने फटाफट, दो दिन के अंदर करवाया हमारे भैया ने काम। और बाहर ये भाई, इसका स्विच किधर है? ये सारा ये अंदर बाहर का काम, ये सारा हमारे भैया ने दो दिन में फिनिश करवा दिया। एकदम मस्त काम है। मैं भी अपने घर में करवाऊंगी, कभी अपना घर बनवाऊंगी ना तब उसमें करवाऊंगी मैं ये सारा काम। ये अच्छा काम किया काम करने वालों ने। ये पेंटिंग लगाई मेरे भाई ने, ये देखिए चिड़िया विड़िया लगा दी। इससे अच्छा मेरी फोटो लगा देता है, ये चिड़िया फिड़िया लगा दी। ये देखिए दोस्तों, मेरी मम्मा, मम्मी कुछ बोलो, आज 26 जनवरी है। हेलो, हाँ 26 जनवरी की आप सबको शुभकामनाएं। हाँ, आज पापा होते तो कितने खुश होते हैं ना। हमारे पापा ना बच्चों को बताते रहते थे, पापा सब कुछ बच्चों को बताते रहते थे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बताने की, है ना। सारे प्रोग्राम 26 जनवरी पे 15 अगस्त में टीवी में आते थे ना, पापा हमको बिठा के रखते थे, कहते थे पढ़ो और सुनो, देखो और सुनो, तो याद हो जाएगा, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं ना तो जल्दी याद हो जाती है। तो इस वजह से पापा में हिलने भी नहीं देते थे, है ना। और सारा काम हमारी मम्मी करती थी, हम कुछ नहीं करते थे, हम बस प्रोग्राम देखते रहते थे, है मम्मी। हाँ चलिए, बाय बाय बोलो दोस्तों को। बाय बाय। ये दोस्तों लड्डू भी चबा के आइए उधर, दो और दो समोसे चबा के आइए। हाँ, और अब देखो ये खाने लग गई बैठ के, जो भाभी के लिए बनाए थे जबे। है शर्म नहीं आ रही मामी के जबे खा रही है तू बैठ के? हो गई। ये क्यों खा रही है जबे? दोस्तों देखिए, छोटी बच्ची ना कैसे देख रही है इसको, खिला चुकी है, धूप के आगे देखो। सुजाता है कुंजड़, अभी कुछ खा रही है। अरे पूजा का सामान कहां है सारा? वो उधर है इस रूम में, अलमारी में जो साइड कबर्ड है ऊपर। तू अब बैठ जा, अभी नहा धो लेंगे तब। अब चुप बैठ रही हो। ए ये कैमरा चल ही रहा था। ओ दिशा खत्म हो क्या? खत्म सब खा गई तू? मेरे लिए कुछ नहीं बचा है? तुम है सुनो दोस्तों, देखो ये देखो दोस्तों, ये देखो फुटबॉल जैसी हो गई, फुटबॉल जैसी हो गई हमारी। जब बच्चों को फुटबॉल नहीं मिलती तो दिशा कोई फुटबॉल बना के ना फिर खेलते फुटबॉल। ठूस लिया सारा, ठूस लिया तुमने, अच्छी लग रही है वैसे। कैसी लगी आपको मेरे भैया की वो बाहर वाली डिजाइन और ये घर वाली डिजाइन? मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये देखिए, ये सारा भैया का प्रोग्राम हो जाएगा ना, सारा फंक्शन वंक्शन कर लेगा, फिर पकड़ के लेके जाऊंगी, चल मेरे घर पे भी कुछ करवा चल के। इतना दिमाग था, टैलेंटेड है हमारा भैया। ये देखिए इतना दिमाग, पहले बोला था क्या कराऊं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर देखो क्या दिमाग चलाया हमारे भाई साहब ने। और यहाँ पे ना अभी डाइनिंग टेबल आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी ना अभी लेके नहीं आए डाइनिंग टेबल, फंक्शन हो जाएगा उसके बाद लेके आएंगे, क्योंकि अभी रिश्तेदार आने वाले हैं ना, बहुत सारे रिश्तेदार आजकल, अभी भैया लेने के लिए गए हैं, काफ़ी दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं ना हमारे, तो भैया उनको लेने के लिए गए, इसलिए से डाइनिंग टेबल नहीं रखी, क्योंकि जगह ना बहुत भर सी जाती है, इस वजह से भैया वाला प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद डाइनिंग टेबल लेके आएंगे, क्योंकि उस डाइनिंग टेबल पर कितने लोग बैठ के खाना खा लेंगे, कम से कम इतने स्पेस चाहिए ना हमें। हमारी बुआ जी वगैरह आएंगी ढोलक बजाने के लिए, और रिश्तेदार है बैठने के लिए ना, तो इतना तो जगह हमें चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, इस वजह से ना भैया ना डाइनिंग टेबल लेके नहीं आया अभी, लेकिन जब वो लेके आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको
नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारे घर में ना पूजा है। पूजा वैसे 10 बजे ही थी, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार आ रहे थे ना वो लेट हो गए, और वो इतने लेट हो गए कि वो अभी तक नहीं आए। अभी भाई उनको लेने के लिए ना निकले, अभी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, फिर वो आएंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, उसके बाद हम पंडित जी को बुलाएंगे और उसके बाद हम पूजा शुरू करवा देंगे। तो हम मिलते हैं आपको हमारे पूजा वाले ब्लॉग में, और आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।